वेल गाइस, तो फाइनली अब से कुछ मिनटों के अंदर WWE के इस हफ्ते का मंडे नाइट रॉ शुरू होने वाला है। और आज यहां पर WWE का मंडे नाइट रॉ शो WWE के समर स्लैम का फॉलो आउट रॉ होगा, और इसीलिए इस शो के ऊपर काफ़ी कुछ क्रेजी चीज़ें होने वाली है। गाइस यहां पर समर स्लैम पर CM Punk के ड्रू मैकइंटायर से हार जाने के बाद और CM Punk के सेट रॉलिंस पर अटैक करने के बाद आज CM Punk रॉ के ऊपर लाइव अपीयर होंगे, और देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि बेस्ट इन द वर्ल्ड आज शो के ऊपर क्या करते गए। और रॉलिंस ड्रू मैकइंटायर और पंक का ये पूरा ड्रामा मंडे नाइट रॉ के ऊपर कंपीट होता है या नहीं। बट इसके अलावा मंडे नाइट रॉ के ऊपर आज WWE के ब्रांड न्यू वर्ल्ड चैंपियन गुंथर लाइव अपीयर होने वाले गए। और गाइस देखना दिलचस्प होने वाला है कि मंडे नाइट रॉ के ऊपर आज यहाँ पर गुंथर किसको चैलेंज करते गए। बट इसके अलावा मंडे नाइट रॉ के ऊपर डेफिनेटली एक चीज जो और देखना काफी दिलचस्प होगा वो होगा मंडे नाइट रॉ के ऊपर रिया रिप्ली का अपीयर होना। गाइस यहाँ पर जिस तरीके से समर स्लैम के ऊपर रिवर रिप्ली के ऊपर डोमिनिक मिस्टीरियो ने हील टर्न करके लिव मॉर्गन को ज्वाइन किया, उसके बाद रिया रिप्ली ऑफिशियली फेस बन चुकी है। और ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या मंडे नाइट रॉ के ऊपर रिया रिप्ली जे उसो को ज्वाइन करती है या नहीं। और जिस तरीके से जजमेंट डे के अंदर फिन बैलर ने डेमियन प्रिस्ट को वॉट टाइटल हरवाया, क्या उसके बाद WWE के अंदर आज यहाँ पर बैलर और डेमियन प्रिस्ट का फेस ऑफ होता है या नहीं। वेल गाइस आज यहाँ पर फिलहाल शो के लिए ऑफिशियली WWE ने ये अनाउंस किया है कि हमें यहाँ पर मंडे नाइट रॉ के ऊपर आज यहाँ पर वाइट सिक एक्शन में देखने को मिलेगी, जहाँ एरिक रोवन, डेक्स्टर लुमिस, जोई गेसी, चैड गेबल और क्रिट ब्रदर्स को फेस करेंगे। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि मंडे नाइट रॉ के ऊपर आज यहाँ पर पॉसिबली कोई रिटर्न या डेब्यू होता है या नहीं। और ब्रॉक लेसनर के रिसेंटली सोशल मीडिया पर पिक्चर्स के वायरल होने के बाद क्या ब्रॉक लेसनर WWE पर रिटर्न करते हैं या नहीं। वल आप समर स्लैम के मंडे नाइट रॉ के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताएंगे।